नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके ये अपने YouTube चैनल ऑलराउंड सपोर्टर पर। तो आज हम जा रहे हैं गालीगुंडा के ऑफिशियल टूर पर। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम सिली बंदा है, जिससे जहाँ से भी आप आ रहे हो, रेल मार्ग से आते हो, तो सबसे नियर जो आपको रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पीलीबंगा ही पड़ता है। और पीलीबंगा से गालीबंगा मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर जाने के लिए हमें कोई भी बस या टैक्सी मिल जाएगी। तो अभी हम पीलीबंगा आए, अभी मैं ऑफिशियली सूरतगढ़ से पीलीबंगा आया हूँ और जा रहा हूँ गालीबंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं गालीबंगा का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी हम पीलीबंगा है और पीलीबंगा का सीधे चलते हैं गालीबंगा। तो चले साथियों गालीबंगा के लिए। और आप ये देख सकते हैं, ये पीलीबंगा का रेलवे स्टेशन पटरियाँ, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलती है। तो साथियों आप चलते हैं सीधा गालीबंगा, जाते हैं किसी बस या ट्रेन सॉरी बस या टैक्सी मिल जाएगी हमसे, तो चलते हैं गालीबंगा। हेलो साथियों, जहाँ अभी हम पहुँचे हैं वो गालीबंगा सभ्यता थी, जो पहले वहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ था उस जगह पर हम आए। जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो पत्थर है, जो गालीबंगा सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है, और जहाँ पे जो उत्खनन कार्य हुआ है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ के जो पत्थर और यहाँ से जो घर बने हुए थे, उसकी जो ईंटें भी हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है जहाँ पर अभी हम आए हैं, जो गालीबंगा सभ्यता थी, जो गंगा नदी के किनारे पर थी। इनकी खोज जैसे 1952 के अंदर अमरनाथ घोष ने की थी, और उत्खनन कार्य 1961-62 में, आज से कम 50 वर्ष पहले उत्खनन कार्य हुआ था। यहाँ के जो बर्तन थे मिट्टी के, उसके ये अवशेष हैं, और यहाँ जो पहले घर बने हुए थे उनके जो ये वृक्ष ईंटें बनी हुई, और जो ये खुदाई हुई है, जो आप ये देख सकते हैं पूरी पूरी सभ्यता है यहाँ पर, जो ये पूरी पूरी उत्खनन का कार्य हुआ है वो आपको मैंने दिखाया है। और इसके बाद हम चलेंगे म्यूजियम के अंदर, जो यहाँ से कुछ मिले हैं वो भी वो आपको दिखाएंगे, कौन कौन से बर्तन, जो भी आइटम्स, जो आभूषण, जो एक सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा पूरा उत्खनन कार्य यहाँ पर हुआ है बहुत ही लंबी दूरी के अंदर। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं आपको म्यूजियम, और उसके बाद ये आपको देखिए पूरा जो उत्खनन कार्य यहाँ पर हुआ था वो आपको मैं दिखाना जाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, जो ये उत्खनन कार्य हुए थे, खड्डे पड़े हुए हैं यहाँ से, जो उनके घरों के अवशेष वगैरह मिले हैं आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो ईंट पड़ी है देखिए, उस समय के जो पत्थर है, ऐसे घर बने हुए थे, क्या आप देख सकते हैं, जैसे पत्थर आपको दिखाई दे रहे, बहुत ही मजबूत और पत्थर थे, तभी ये इतने सालों के बाद भी यहाँ पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वृक्ष पड़ी हैं, और यहाँ पर जो इनके बर्तन थे मिट्टी के बने हुए वो भी हैं। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं आपको म्यूजियम के लेके चलूँगा, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि क्या का आप देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पर कौन कौन से हुआ था। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, जो उस समय यहाँ पे जो मानव रहते हैं उनकी हड्डियाँ हैं, ये हड्डी आप देख सकते हैं, ये उस मानव की हड्डी के जबड़े का आपको दिख रहा है, ये उसका जबड़ा। तो यहाँ पर जरूर लोग रहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हेलो साथी, जो यहाँ पर जो पुराने टाइम से घर बने हुए थे, जो ईंटों के बने हुए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इनकी ईंटें जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, यहाँ जो देखिए यहाँ पे भी जो ईंटें लगी हुई हैं, और वहाँ पर भी देख सकते हैं कि ईंटें लगी हुई थी, जिस ईंटों से ये घर बना हुआ था, इसका ये उत्खनन हो रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ था, और ईंटों का ये बना हुआ है पूरा पूरा घर का ये मैप है। मेरे ख्याल से जब पुराने समय में ये घर होता था एक अच्छा सा। तो आप ये देखिए, पर हमारे साथ दो बंदे भी आए हैं, दुर्गेश जांगीड जो ऑलराउंडर डीजे से हैं, और हमारे सहपाठी गजेंद्र जी जाने भी हमारे साथ हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता जो गालीबंगा की है, ये जो आप देख रहे हैं। जो साथियों ये थी हड़प्पाकालीन सभ्यता गालीबंगा, और इसके बाद हम सीधा चलेंगे म्यूजियम के अंदर।